जय माता रानी की स्वागत है दोस्तों आपका महायोग टीवी चैनल में। अगर आप अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं और एक समझदार व्यक्ति बनना चाहते हैं तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, जिससे आपको भगवान से जुड़ी हुई सभी बातों का ज्ञान कराया जाएगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण वास्तुशास्त्र का विशिष्ट ज्ञान रखते थे। उन्होंने समय समय पर धर्मराज युधिष्ठिर को वास्तुशास्त्र का ज्ञान दिया। यह ज्ञान समस्त मानव जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और कल्याणकारी है। श्री कृष्ण ने दो ऐसे पेड़ पौधों के बारे में बताया है जिनका भवन की सीमा में होना दुख एवं दरिद्रता लेकर आता है। ये वृक्ष घर के सामने होने से उस घर में निवास करने वाले लोगों की कभी उन्नति नहीं होती है, उन्हें हमेशा पराजय और निराशा का ही सामना करना पड़ता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार वृक्ष तथा पौधे हमारे भवन की सुंदरता को बढ़ाते अवश्य है, साथ ही ये वातावरण को शुद्ध रखते हैं। वृक्षों से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। वृक्ष नकारात्मकता को कम करके वातावरण को अधिक सकारात्मक बनाने का कार्य करते हैं। घर के सामने शुभ पेड़ पौधे लगाने से घर में बरकत आती है, साथ ही ये पेड़ पौधे कई प्रकार के वास्तु दोषों को नष्ट करते हैं। घर के आंगन में खड़े वृक्ष देवताओं के समान हमारे घर की रक्षा करते हैं, इसीलिए हमारे पुराणों और शास्त्रों में भवन की सीमा में कुछ शुभ वृक्षों का रोपण करने की सलाह दी गई है। आज हम जानेंगे हमारे घर की सीमा में कौन से वृक्ष तथा पौधे होने चाहिए और कौन से वृक्ष नहीं होने चाहिए। जैसे कुछ वृक्षों को शास्त्रों में शुभ बताया गया है, उसी प्रकार से वास्तुशास्त्र में अशुभ वृक्षों तथा पौधों का वर्णन मिलता है। इन वृक्षों का घर की सीमा में होना अशुभ और अमंगलकारी होता है। ये वृक्ष घर के सामने होने से दुख तथा दरिद्रता का ही सामना करना पड़ता है। इन वृक्षों के सानिध्य में रहने पर धन का नाश होता है, शत्रुओं में वृद्धि होती है, मनुष्य अपना मान सम्मान तक खो देता है। इसीलिए यदि आपने भी जाने अनजाने में अपने घर के आंगन में अथवा घर के अंदर ऐसे वृक्ष तथा पौधे लगाए हैं तो बिना देरी किए उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं मनुष्य को कौन से पेड़ लगाने चाहिए और कौन से नहीं। सबसे पहला है पीपल का पेड़। किसी जलाशय के समीप पीपल का वृक्ष लगाने वाले मनुष्य को जो फल मिलता है वह सैकड़ों यज्ञों के समान होता है। जब पीपल के पत्ते उस जलाशय में गिरते हैं तो वे पिंड के समान होकर पितरों को तृप्ति प्रदान करते हैं, इससे सभी प्रकार के पितृ दोष समाप्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जो मनुष्य नित्य स्नान करके पीपल को स्पर्श करता है वह सभी पापों से मुक्त होता है और कभी पराजित नहीं होता है। पीपल को स्पर्श करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और उसकी प्रदक्षिणा करने से आयु में वृद्धि होती है। पीपल की जड़ में श्री विष्णु, तने में शिव जी और अग्रभाग में ब्रह्मा जी स्थित रहते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल को प्रणाम करने से जो फल मिलता है वह हजार गाय के दान के बराबर होता है। इस संसार में पीपल के समान कोई वृक्ष नहीं है, साक्षात श्री हरि इस वृक्ष के रूप में पृथ्वी पर विराजमान है। पीपल के वृक्ष को चोट पहुंचाना अथवा उसकी टहनी तोड़ना महापाप माना गया है। ऐसा मनुष्य एक कल्प तक नरक में रहता है और जो पीपल को जड़ से काटता है उसका कभी नरक से उद्धार नहीं होता है। दूसरा है आंवले का वृक्ष। श्री कृष्ण कहते हैं आंवले का फल समस्त लोकों में प्रसिद्ध और परम पवित्र है। आंवले को लगाने से स्त्री और पुरुष जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये पवित्र फल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रसन्न करने वाला एवं शुभ माना गया है। इसको खाने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। आंवला खाने से आयु बढ़ती है, उसका जल पीने से रोगों का नाश होता है और आंवले को जल में मिलाकर स्नान करने से दरिद्रता दूर हो जाती है और सभी प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। जिस घर में आंवला सदा मौजूद रहता है उस घर में कभी दैत्य और राक्षस नहीं आते हैं। एकादशी के दिन अगर आंवला मिल जाए तो संसार के सभी तीर्थों से बढ़कर फल प्राप्त होता है। अपने केश में आंवला लगाने वाला फिर से मृत्यु लोक पर जन्म नहीं लेता है। जिस घर के सामने आंवले का वृक्ष होता है वहां पर साक्षात लक्ष्मी नारायण निवास करते हैं। तीसरा है अशोक का वृक्ष। दोस्तों, पद्म पुराण के अनुसार अशोक के वृक्ष में अप्सराओं का निवास होता है। यह वृक्ष शोक का नाश करने वाला तथा निराश को समाप्त करने वाला होता है। इस वृक्ष को घर के पास लगाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। अशोक का वृक्ष शीतलता और यौवन प्रदान करने वाला होता है। मां लक्ष्मी ने जब देवी सीता के रूप में अवतार लिया था तब रावण द्वारा अपहरण करने के बाद उनका वास अशोक वाटिका में था।
अशोक के वृक्ष ने मां सीता की बहुत सेवा की थी, इसीलिए मां सीता ने अशोक वृक्ष को यह वरदान दिया था कि जिस भी स्थान पर यह वृक्ष होगा वहां पर उनका सदैव ही निवास होगा। चौथा है पाकड़ का वृक्ष। पद्म पुराण के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को पाकड़ का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। यह वृक्ष लगाने से जो फल मिलता है वह महायज्ञ के समान होता है। कलयुग में मनुष्य यज्ञ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उन्हें एक पाकड़ का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। पांचवा है नियम का वृक्ष। पद्म पुराण के अनुसार नियम का वृक्ष लगाने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। नियम का वृक्ष आयु प्रदान करने वाला माना गया है। इसे घर के पास लगाने से नाना प्रकार के रोगों से छुटकारा मिलता है। मां लक्ष्मी को नीम के पत्ते अत्यंत प्रिय होते हैं, इसीलिए वह नीम के वृक्ष के पास निवास करती है। घर के सामने नीम के वृक्ष का रोपण करने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। छठा है जामुन का वृक्ष। यदि कोई मनुष्य कन्या प्राप्ति की कामना करता है तो उसे जामुन का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार जिस मनुष्य के घर के सामने जामुन का वृक्ष होता है उसके घर में कन्या का जन्म होता है, जो कुल का गौरव बढ़ाती है। सातवां है बेल का वृक्ष। पद्म पुराण के अनुसार बेल के वृक्ष में भगवान शिव और गुलाब में देवी पार्वती का निवास है, इसीलिए अगर बेल के वृक्ष के पास गुलाब का पौधा लगाया जाए तो शिव पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उस घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आती है, उस घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है और कोई स्त्री विधवा नहीं बनती है। आठवां है नारियल का पेड़। नारियल का पेड़ लगाने से पुरुष अनेक स्त्री का पति बनता है। नारियल किसी भी धार्मिक अनुष्ठान का आवश्यक अंग होता है, यह अत्यंत शुभ माना जाता है। घर के आंगन में नारियल का पेड़ होने से उस घर में हमेशा शुभता होती है और उस घर के सदस्यों का समाज में बहुत मान सम्मान होता है। सुंदर पत्नी की कामना करने वाले मनुष्य को अनार का वृक्ष लगाना चाहिए। पलाश का पेड़ ब्रह्म तेज प्रदान करता है, इसीलिए इसका रोपण अवश्य करना चाहिए। वंश वृद्धि और संतान प्राप्ति की कामना करने वाले मनुष्य को अंकोल का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। अगर मनुष्य किसी बीमारी से पीड़ित है तो उसे खैर का वृक्ष लगाना चाहिए। खैर का वृक्ष लगाने से बड़े बड़े रोग नष्ट हो जाते हैं। यह वृक्ष आरोग्य प्रदान करने वाला होता है। कुंद अर्थात मोगरे के पेड़ में गंधर्व निवास करते हैं, इसीलिए इस पौधे का रोपण अपने घर के पास करने से कार्यों में सिद्धि और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। खासकर कला के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को यह पौधा अवश्य लगाना चाहिए। यदि किसी मनुष्य को चोर और लुटेरों का भी सता रहा है तो उसे अपने घर के पास बेंत का वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। यह वृक्ष चोर लुटेरों को भयभीत करता है और घर की रक्षा करता है। चंदन और कटहल के वृक्ष पुण्य और लक्ष्मी प्रदान करते हैं। इन वृक्षों का रोपण करने से दुख दरिद्रता समाप्त हो जाती है। केले का पेड़ भी बहुत शुभ होता है और यह घर में सुख समृद्धि और खुशहाली लाता है। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए घर में केले का पेड़ होने से घर में धन की कमी नहीं होती है। हर श्रृंगार के पौधे को पारिजात भी कहा जाता है। इस पौधे की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी और मां लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से ही प्रकट हुई है, इसीलिए पारिजात के पौधे का बहुत अधिक महत्व है। यदि इस पौधे को अपने घर पर लगाते हैं तो आपको मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। मनुष्य को कभी भी ताड़ का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। ताड़ का वृक्ष संतान का नाश करने वाला होता है। जिस घर के पास ताड़ का वृक्ष होता है उस घर के संतानों की कभी उन्नति नहीं होती है। मनुष्य को कभी भी अपने घर के पास बहेड़े का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। इस वृक्ष पर प्रेतों का वास होता है। जो मनुष्य बहेड़े का वृक्ष लगाता है वह प्रेत बन जाता है। इसके नीचे बैठकर कभी पूजा पाठ भी नहीं करना चाहिए। सुंदर पत्नी की कामना करने वाले पुरुष को दाख का पेड़ लगाना चाहिए। अगर किसी मनुष्य को शत्रुओं का भय सता रहा है तो उसे केवड़े का वृक्ष लगाना चाहिए। यह शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से शास्त्रों में इन पेड़ पौधों के बारे में बताया गया है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको भगवान से जुड़े बातें और जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर आप इस चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं, बहुत सी वीडियो हमने बनाई है और जिन पर आपको बहुत अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें पता लग जाएंगे। तो एक बार हमारे चैनल पर भी आप जरूर देखें। और आपको अगर हमसे कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं किसी नई वीडियो में।